जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष जल्द ही समाप्त हो जाएंगे, और दोस्तों श्राद्ध पक्ष जब समाप्त होते हैं, जब श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आती है, तो दोस्तों ये जो श्राद्ध की अमावस्या होती है ये बहुत बड़ी अमावस्या होती है, और इस दिन आपको एक उपाय अपने पितृ के लिए जरूर करना चाहिए ताकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और वो पूरे साल आपको खुशहाली देते रहें। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस पितृ पक्ष की अमावस्या जो कि 25 सितंबर 2022 को पड़ रही है, इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक छोटा सा उपाय अपने पितरों के लिए जरूर करना है और करना ही करना है। वो उपाय कौन सा है उसके साथ ही मैं आपको एक और उपाय और बताएंगे, चूंकि हम इस उपाय के बाद बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, 25 सितंबर 2022 श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक तैयार करना है घी का। क्या करोगे, उसमें आपको गोल बाती रखना है और घी उसमें आपको डालना है। मिट्टी का भी हो सकता है वो दीपक और आटे का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक घी का दीपक तैयार कर लो गोल बाती का, जिसमें आपको घी डालना है, ठीक है। इस घी के दीपक को तैयार करने के बाद आपके घर के आसपास जो भी नदी बावड़ी या तालाब हो आपको उस स्थान पर जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि उस स्थान पर श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन आपके पितृ जल को ग्रहण करने आते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि उस स्थान पर जाकर अपने घर के आसपास जो भी नदी बावड़ी या तालाब हो, तो उस घाट पर, नदी के घाट पर या तालाब के घाट पर या जो कुआ हो उसका जो भी घाट बना हुआ हो वहां पर आपको रखना है, ना कि पानी में समर्पित करना है, जल में समर्पित करना है। सिर्फ आपको घाट पर एक दिया जलाकर आना है, और जैसे ही आप लोग यह दिया जला रहे हो तो उस समय ध्यान रखना कि जो बत्ती का मुख होगा वो आपको दक्षिण की तरफ करके रखना है, ठीक है। तो ये दीपक आपको उस नदी बावड़ी या तालाब के घाट पर बैठकर जला देना है। जलाने के बाद अगर स्त्रियां जला रही हैं तो अपने सर पर पल्लू रख लें ताकि पितरों का वो आशीर्वाद आपके ऊपर आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे आप लोग दिया जला दें, दिया जलाने के बाद आप लोग अपनी झोली फैलाकर अपने परिवार के लिए, अपने लिए जो है आशीर्वाद मांगिए अपने पितरों से, ताकि आप पूरे साल जो है खुशहाल रहें, पूरे साल आपके जीवन में जो है उन्नति रहे। ऐसे आपको जो है अपने पितरों से जो है आशीर्वाद ले लेना है। और दोस्तों उसके बाद जो दूसरा उपाय है वो भी आपके पितरों को आपके लिए आशीर्वाद दिलाएगा और आपके पूरे साल आपको खुशहाली दिलाएगा, साथ ही में आप हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। तो दोस्तों दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, यह उपाय आपको श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन मतलब 25 सितंबर 2022 को प्रातःकाल सुबह से लेकर जो है दोपहर के समय बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने घर से दो चावल के दाने लेने हैं। दो चावल के दाने कैसे लेने हैं, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे आखा होने चाहिए, ठीक है। दो चावल के दाने लेकर लेने के बाद आपको जाना है अपनी छत पर। अगर छत ना हो तो भी आपका आंगन होगा या गार्डन होगा, जो भी होगा आप उस स्थान पर चले जाएं जहां पर मतलब पक्षी आते हों, ठीक है। तो उस स्थान पर जाकर आपको अपने पितरों का नाम का स्मरण करते हुए या पितरों को स्मरण करते हुए आपको इन दो चावल के दानों को अपनी छत पर रख देना है या अपने आंगन में डाल देना है। बस ये उपाय आपको छोटा सा करना है, इससे भी आपके पितर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और दोस्तों आपको इस दिन दीपक जरूर लगाना है किसी भी नदी बावड़ी या तालाब, क्योंकि आपके पितर वहां पर जल को ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो आपको इन दोनों ही उपायों को करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।